अस्सलाम वालेकुम यार, सबका उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस टाइम रियान साहब बलून के साथ खेल रहे हैं। और ये रहा बलून, सुबह भी दो तीन इसे उड़ा ली हैं। अब हम स्कूल से आए तो कहता मैंने और उड़ाने हैं। रियान साहब उड़ाना है कि खेलना है बलून के साथ? अभी अच्छा ले लिया है। रेहान साहब बलून हैंड से छोड़ते हैं कि उड़ जाए, फिर मामू उसको पकड़ लेते हैं। ये इनकी खेल चल रही है, इस टाइम ये खेल ही जा रहे हैं। रेहान कैसे छोड़ते हैं बलून को और मामू पकड़ लेता है। ए ओए, खुद ही पकड़ लिया रेहान ने अब तो। ए कैसे? ओ नहीं नहीं, ये नीचे नहीं फेंक सकते, ये ऊपर ही उड़ने हैं। छत पर जाओगे ना तो ऊपर, ये ऊपर ही फेंक उड़ जाएंगे। ये देखो नीचे नहीं जाने, ये तो छोड़ो छोड़ो धागा, छोड़ो इसका, पीछे जा पीछे मामू। ये देखो ऊपर ही जा रहे हैं। रेहान गिर जाओगे, ये देखो चल ऊपर, नीचे आइए ऊपर आ। कहाँ जाना है? छत पे देख कितना गंद, ये दरख्त के सारे पत्ते झड़े। उस दिन हमने सफाई की थी, देखो पत्ते पत्ते। रेहान साहब फिर दोबारा सफाई करनी पड़ेगी, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, वो खेल रहा है। छत पे सही है, जहाँ पर वो किचन के ऊपर खड़ा था वहाँ से रेहान गिर सकता था। यहाँ खेली जाओ रेहान, आप दोनों यहाँ खेली जाए, मैं खाना खा लूँ। ठीक है आप खेलो दोनों इधर, मैं खाना खा के फिर आती हूँ। रेहान किसको गोली मार रहे हो? दूसरी ना को गोली मार रहे हो? हाँ क्या हुआ है? आराम से आओ, आराम से आओ नीचे। मेरा रेहान साहब का पराठा बन चुका है, पर रेहान साहब दूसरी ना के घर गया हुआ है तो आएगा। मैं तो खाती, जब वो आएगा उसकी देखी जाएगी। और इधर दही पड़ा हुआ है। हाथ में क्या है? ओहो मेरे पानी में डाल दिए। हाथ में क्या, मुझे दिखा तो सही, कहाँ से लेके आए ये दोनों आलू? मैं ये पानी पीने के लिए रखा है भाई, और आपने इसे दोनों आलू डाल दिए और ऊपर से जर्सी भी गीली कर रहे हो। हाँ खड़ा तो सर दिखाई जा रहा है। आलू कहाँ से लेके आए हो? मैं मेरी बात नहीं सुन, असली आलू ऊपर फेंक दिए। रोटी खा लो। रेहान साहब के पास जो दो आलू थे जो इसको दूसरी हिना ने दिए थे, इसने छत पे फेंक दिए। हाँ जी इसको गोदी उठा ना, गोदी उठा लो। हाँ नहीं नहीं ऊपर ही बिठाना, उधर से गिर जाएगी, बस गोदी उठाओ मैं लेके आती हूँ। ये देखें जी इसके आलू ये पड़े हुए हैं जी। रेहान साहब के दोनों आलू वहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिए। अब रेहान साहब पकड़ लो, अब आलू से नहीं खेलना। वो आपने उसको कहा तो वो तोड़ा ना उसने, बाकी जरा कसा आपने तोड़ना है। फेंक दे इसको फिर। ये छोटी छोटी लकड़ियाँ कहाँ से पकड़ी हैं? इधर से कहाँ से आई? मामू के साथ कैसे खेल रहे हो फिर? ध्यान से मारना देना, ध्यान से उसके फेस पे ना लग जाए। नीचे नीचे रख के खेलो ना उसको, आराम आराम से। पत्तों की शामत आ चुकी है रेहान के हाथों। ध्यान से आपने फेस पे ना उल्टा लग जाए। ये डिब्बे कौन फेंक रहा है हमारे घर छत पे? ये देखो कोई भी नहीं है, दूसरी ना फेंक रही है। देखो कुछ और भी फेंकने लगी है वो। यार कुछ नहीं होता। ओ वो देख बोतल फेंकी अब। आप ना फेंकने, नीचे बच्चे पड़े उनका लग जा नहीं है। ले जी रेहान साहब छत की सफाई करना शुरू हो गए हैं। ये सफाई हो रही है कि ज़्यादा गंद पड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ बस और करनी सफाई के। अलो जी और आ गया जी बाहर गंद। आप लोगों को पूरे छत का विजिट कराया जाता है। ये देखिए रेहान साहब ने पूरी छत को तैश नैश कर दिया है। ये लें जी इधर से भी देखे, हर जगह पत्ते 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 पत्ते, गंद गंद और डाल रहा है। बस बड़ा अब ना खेल लिया, गंद शान डाल लिया, कपड़े भी गंदे कर लिया, अपने सर का हाल देख, मट्टी हो मट्टी हुआ पड़ा है। तो पानी गर्म हो रहा है नीचे, नीचे नहीं हो रहा होगा तो मैं ना गर्म कर देती हूँ तो नहाए। रेहान बस बस बड़ा खेलिया, चल यार आ जा।